आज हम बात करते हैं वॉल टाइमिंग डायग्राम के बारे में। जैसा कि हम सुनते हैं कि सक्शन स्ट्रोक के अंदर सक्शन वाल्व ओपन होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर दोनों वाल्व बंद रहते हैं, पावर स्ट्रोक के अंदर दोनों वाल्व बंद रहते हैं, और एग्जॉस्ट में एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है, लेकिन एक्चुअल इंजन में ऐसा नहीं होता। तो इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, तो कैसे होता है थोड़ा आप समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये हमारा एक वाल्व टाइमिंग डायग्राम बना हुआ है कि कौन सा वाल्व कब ओपन होता है। तो ये पहले जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है TDC, मतलब ये पिस्टन टॉप पे रहेगा, और बॉटम पे जाइएगा तो यहाँ लिखा हुआ है BDC, बॉटम डेड सेंटर, मतलब ये पिस्टन बिल्कुल नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। TDC और BDC के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, एक स्ट्रोक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये फोर स्ट्रोक का डायग्राम है, तो फोर स्ट्रोक कौन कौन सी होती हैं, सक्शन स्ट्रोक है, कंप्रेशन है, पावर एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। तो पहली स्ट्रोक देखिए, यहाँ से सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होती है, हम बोलते हैं TDC से होता है, लेकिन देखिए एक्चुअल क्या होता है, इनलेट वाल्व जो ओपन होता है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के एंड में 10 डिग्री पहले ओपन हो जाता है, ठीक है ना जी। अभी एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट नहीं होती, उससे पहले ही 10 डिग्री हमारा एग्जॉस्ट में इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, और यहाँ से ओपन हो रहा, देखिए ये पूरा जा रहा है ब्लू लाइन, और कहाँ तक जा रहा, देखिए यह BDC कंप्लीट कर दिया, उसके बाद भी ये लगभग 30 डिग्री ओपन है, 30 डिग्री बाद तक खुला हुआ है। तो ये टोटल कितने डिग्री खुला रहा, यहाँ देखिए सक्शन स्ट्रोक में 10 डिग्री पहले, ठीक है, 180 क्यों लिखा है, क्योंकि एक स्ट्रोक 180 डिग्री का होता है, TDC से BDC की जो मूवमेंट रहती है उसकी वो 180 डिग्री की रहती है, और प्लस वो 30 डिग्री आफ्टर BDC खुला रहा, ठीक है, और ये टोटल कितना हो गया, 220 डिग्री हो गया, मतलब हमारा सक्शन वाल्व है जो वो 220 डिग्री खुला रहता है। उसके बाद दूसरे की बात करें हम कंप्रेशन स्ट्रोक की, तो यहाँ देखिए ये हो गया कंप्रेशन स्ट्रोक, हालांकि कंप्रेशन स्ट्रोक हम मानते हैं कि BDC से TDC के बीच में कंप्रेशन स्ट्रोक होती है, लेकिन एक्चुअली में वाल्व का ओपन होता है, ये ओपन होता है, देखिए मतलब यहाँ जब क्लोज हो गया सक्शन वाल्व, क्योंकि जब तक वाल्व ओपन रहेगा तो तब तक ये मान के चलिए हवा को कंप्रेस नहीं कर सकते आप, ठीक, पिस्टन मूवमेंट तो TDC सेट हो जाएगा, पिस्टन तो चल पड़ा ऊपर, लेकिन अभी क्या है, सक्शन वाल्व ओपन था, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कभी भी मान लो हवा को कंप्रेस नहीं होगा, हवा कंप्रेस नहीं, तो हवा कंप्रेस कब स्टार्ट होगी, जब ये इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा, तो 30 डिग्री तक तो खुला रहता है, जब सक्शन वाल्व क्लोज हो गया तब से कंप्रेशन स्ट्रोक चालू होता है, देखिए ये जा रहा है, ठीक है, ये TDC तक पूरा यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रहा है, लेकिन एक स्ट्रोक मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री का रहता है, तो ये 180 में से कितना माइनस हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ हम देख भी लेते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक जो है टोटल 180 डिग्री रहता है, लेकिन 30 डिग्री तक हमारा सक्शन वाल्व ओपन रहा था, जिस कारण से कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो उसको हम माइनस कर दिया, तो कितना हो गया हमारा ये कंप्रेशन स्ट्रोक, कितना हो गया 150 डिग्री का, ठीक है जी। अब हम तीसरे स्ट्रोक की बात करते हैं, जो हमारा आता है पावर स्ट्रोक, क्योंकि जैसे यहाँ आपको पता है कि कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में यहाँ पे फ्यूल का छिड़काव किया जाता है, ये डीजल इंजन का बात कर रहे हैं हम, तो जब फ्यूल ऑटोमाइज होगा तो ब्लास्ट होगा, तो पावर जनरेट होगी, तो पावर जनरेट होगी तब पिस्टन क्या करेगा, TDC से फिर BDC की साइड जाएगा, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे हमारी कौन सी पावर स्ट्रोक स्टार्ट हो गई है, ये पूरा जा रहा है, लेकिन इसमें भी देखिए पावर स्ट्रोक 180 डिग्री की ये भी नहीं है, इसमें क्या हुआ, इसमें एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है, कितना डिग्री पहले, 40 डिग्री पहले, ठीक है ना। अभी कौन सी कंप्रेशन स्ट्रोक चल रही है, सॉरी अभी पावर स्ट्रोक चल रही है, पिस्टन मूवमेंट कर रहा है TDC से BDC साइड, अभी स्ट्रोक पूरा नहीं हुआ, उससे ही 40 डिग्री पहले यहाँ पे क्या हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया, तो इट मीन ये भी 180 डिग्री का पूरा स्ट्रोक नहीं बना, तो इसको हम पावर डिग्री को देख लेते हैं, पावर स्ट्रोक है ये कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो ये स्ट्रोक कितने का रहा, 140 डिग्री का, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रोक आ गया वो आ गया एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब देखिए वैसे तो एग्जॉस्ट वाल्व को यहाँ ओपन होने चाहिए, तो मानते हैं BDC से स्टार्ट होगी स्ट्रोक, लेकिन वाल्व कब ओपन हुआ, 40 डिग्री पहले, मतलब पावर स्ट्रोक में ही 40 डिग्री पहले हमारा जो है इंजन का एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया, तो 40 डिग्री ये यहाँ से ओपन होने के बाद ये कब तक खुला रहता है, देखिए ये TDC के पहुँचने के बाद भी यहाँ तक 12 डिग्री, देखिए मतलब सक्शन स्ट्रोक के अंदर भी, सक्शन स्ट्रोक के अंदर भी लगभग 12 डिग्री ये हमारा जो है
एग्जास्ट वाल्व ओपन रहता है। तो टोटल कितने डिग्री हमारा एग्जास्ट वाल्व कितने डिग्री ओपन रहा, 40 डिग्री ये हो गया, 180 डिग्री ये हो गया और 12 डिग्री ये हो गया। तो देखिए 40 डिग्री 180 डिग्री प्लस 12 डिग्री टोटल हमारा हो गया 232 डिग्री, ठीक है जी। सॉरी लेकिन इसमें देखिए एक्चुअली हमारे पास टोटल डिग्री कितने हो गए, इनको सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल डिग्री कितने हो गए, 742 डिग्री हो गए। आपको पता है कि डीजल इंजन के अंदर जो फोर स्ट्रोक इंजन है इसमें दो रेगुलेशन में चारों स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं, तो इसका मतलब दो स्ट्रोक का मतलब एक रेगुलेशन क्रैंकशाफ्ट का होता है 380 डिग्री का, तो 720 डिग्री हमारे पास टोटल डिग्री होते हैं, 720 टोटल डिग्री होते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ डिग्री कितने आ गए हैं, 742 डिग्री हैं, तो ये एक्स्ट्रा डिग्री कितने आ गए, 22 डिग्री हैं। तो ये कौन से डिग्री हो गए, तो यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस कंडीशन में देखो दोनों वाल्व ओपन हुए पड़े हैं, कौन से में, पहला तो सक्शन स्ट्रोक में, देखिए सक्शन स्ट्रोक में ये 10 डिग्री पहले खुला हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीड, मतलब जब कोई वाल्व समय से पहले खुल जाता है तो उसको हम बोलते हैं लीड, 10 डिग्री लीड ले रहा है, कहाँ से, सक्शन वाल्व इंटैक्ट स्ट्रोक में 10 डिग्री पहले खुला हुआ है, एग्जास्ट स्ट्रोक के एंड में खुल गया, ठीक है, 10 डिग्री ये हो गया। और दूसरा हमारा क्या हो गया, 12 डिग्री जो है हमारा वो एग्जास्ट वाल्व ओपन रहा, यहाँ देखिए एग्जास्ट वाल्व ओपन रहा 12 डिग्री, ये कौन सी स्ट्रोक में, ये भी सक्शन स्ट्रोक में खड़ा, कहने का मतलब ऐसा डिग्री कि जब दोनों वाल्व ओपन रहे, ये 10 डिग्री ये पहले खुल गया और 12 डिग्री बाहर तक ये हमारा जो है एग्जास्ट वाल्व ओपन रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ओवरलैपिड बोलते हैं, मतलब जब दोनों वाल्व खुल रहे एक समय पे उसको बोला जाता है ओवरलैप कंडीशन। तो ये हमारी है टोटल 10 और 12 प्लस करके हमारे आगे 22 डिग्री, ठीक है ना। तो 720 में से जो एक्स्ट्रा डिग्री आ रहे हैं कितने हैं, वो 22 डिग्री आ रहे हैं, ठीक है जी। इसमें अलग अलग सिस्टम रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में फ्यूल ऑटोमाइज होता है, आजकल नए नए इंजन आ गए हैं, टर्म चेंज हो रहे हैं, BS आपको 4 आया था, फिर BS6 आ रहा है आजकल मार्केट में, तो कहीं कहीं अगर पुराने इंजन अगर आप देखोगे तो हमने बहुत सारे इंजन ऐसे देखे हैं जिसमें लगभग स्कॉट की बात करें तो लगभग 30 से लेकर 32 डिग्री बिफोर TDC भी फ्यूल ऑटोमाइज होता था, लेकिन अगर नए नए आजकल के इंजनों की बात करें तो उसमें आपको 7 डिग्री मिलेगा, 6 डिग्री मिलेगा बिफोर TDC, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्यूल ऑटोमाइज में टर्म चेंज होने के कारण, नई टेक्नोलॉजी आने के कारण वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो ये हमारा वाल्व टाइमिंग डायग्राम है, मतलब एक्चुअली जो हम बात करते हैं कि ये TDC में ये वाल्व ओपन होता है ना, मतलब सक्शन में इनलेट वाल्व ओपन होगा, एग्जास्ट में एग्जास्ट वाल्व ओपन होता है, ये एक्चुअल ऐसा होता नहीं, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ दोनों वाल्व खुले हुए हैं, तो ऐसा होता क्यों है, ये दोनों वाल्व क्यों खुले जाते हैं, सॉरी मेनली इसमें ये होता है कि दोनों वाल्व इसलिए ओपन किए जाते हैं ताकि एग्जास्ट गैस जो थोड़ा धुआं बचा हुआ वो इनलेट वाल्व से बढ़िया से, मतलब इनलेट से सक्शन से जो हवा आएगी तो उसके साथ साथ एग्जास्ट धुआं बाहर एग्जास्ट से बाहर चला जाएगा, इसलिए उस समय में दोनों वाल्व को ओपन किया जाता है, ठीक है ना जी। आप सबका धन्यवाद, और बहुत सारे वीडियो मेरे इस पे यूट्यूब चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।